सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और गाइस ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये काफी एक्सक्लूसिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओप्पो रेनो जेड और करेंगे इसका रिव्यू। मैं आपको बताऊंगा क्या इस फोन में अच्छा है, क्या इस फोन में बुरा है। तो यार इस एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों ये देख सकते हैं ये फोन हमारे सामने आ चुका है, हमारे हाथ में ये फोन है। और ऐसे में मेरे पास जो वेरियंट है ये वाला 8GB रैम 256GB वाला वेरियंट है और व्हाइट कलर में है, तो काफी अच्छा देखने को लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट साइड की। तो यहां पे दोस्तों फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलती 6.5 इंचेस की एक डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन जो कि फुल एचडी प्लस वाली होने वाली है ऑब्वियसली। और यहां पे आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगी, जिसके साथ ही में आपको देखने को मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बहुत ही फास्ट है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही जो फेस अनलॉक है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है, तो आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा होने वाला है इस फोन के साथ में। और डेफिनेटली दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके कलर्स की, इसके मतलब कहा जाए तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, तो ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी देखने को लग रही है इनिशियली। तो जैसे कि इसमें कोई भी नॉच नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसके साथ ही में आपको दोनों साइड्स में लाइट्स देखने को मिलती है, जैसे कि हमें K20 Pro में देखने को मिला था। बट गाइस यहां रेनो 2Z में यहां पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें K20 Pro में देखने को नहीं मिला था। तो यहां पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई सभी कलर आपको जो पसंद है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ओप्पो ने MI को कॉपी कर लिया इस मामले में, लेकिन यार ये भी काफी अच्छा इफेक्ट देखने को लगता है। तो ऐसे में जो लाइट की बात थी अभी से करते साइड में, अब बात कर लेते जो कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो कैमरे के सैंपल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, बात कर लेते हैं कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि ऑब्वियसली मैंने बताया पॉपअप कैमरा है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड में दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं 4 कैमरा वाले सेटअप। जी हाँ, क्वाड कैमरास आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो मेन कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का, जो थर्ड कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का, और जो फोर्थ कैमरा होगा वो भी होगा 2 मेगापिक्सल का, जिसके साथ ही में आपको 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और गाइस जो चौथा कैमरा है उसे आप देख सकते हैं, ये काफी छोटा सा आपको देखने को मिलता है, काफी मतलब अलग से ही इसे नीचे दिया गया है, जो कि काफी अच्छा ही लगता है। ऐसे में बात करें इस कैमरास के ऊपर साइड में, तो यहाँ पे आपको एक बम्प देखने को मिलता है, कहा जाए तो रेनो का कुछ डिजाइन सा देखने को मिलता है, जो कि आपके कैमरास को प्रोटेक्ट करेगा स्क्रैचेस से जब भी आप उस फोन को डाउन रखेंगे टेबल पे। तो इससे ये काफी अच्छी चीज लगती है दोस्तों ओप्पो रेनो में, क्योंकि रेनो के जो पहले भी फोन आए थे उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिली थी। सो गाइस ये तो बात थी कैमरास की, अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी, और ऐसे में ये सपोर्ट करेगी फास्ट चार्जिंग को, जो कि है वूक 3.0। सो गाइस ये तो बात थी इसकी बैटरी की, अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek का हेलियो P90 वाला प्रोसेसर। तो ऐसे में हम इसे कंपेयर करके भी देखेंगे हमारे Snapdragon 730G के साथ में, और देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोस्तों बॉटम साइड में आपको देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट, उसके बाजू में आपको देखने को मिलता है स्पीकर के लिए ग्रिल्स, राइट साइड में आपको देखने को मिलता है माइक के लिए होल, और साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक हेडफोन जैक, ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे राइट साइड की तरफ में। राइट साइड की तरफ में आपको देखने को मिलता है पावर ऑन ऑफ स्विच, और उसके ऊपर में आपको देखने को मिलता है सिम स्लॉट, जहां पे आप इंसर्ट कर सकते हैं 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ में। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कार्ड के लिए स्लॉट दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो वेरियंट है ये है 8GB रैम एंड 256GB वाला वेरियंट, और ऐसे में आप इसके बाद भी 256GB होने के बाद भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे इस फोन। तो यार इसके बाद बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड की तरफ आपको देखने को मिलते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन्स। टॉप साइड में बात करें तो टॉप साइड में आपको कैमरा के लिए जगह दी जाती है पॉपअप कैमरा के लिए, ताकि वो ऊपर और नीचे हो सके, और इसके बाजू में आपको दिया जाता है एक सेकेंडरी माइक, जो कि नॉइस कैंसलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो थी दोस्तों बात हमारे फिजिकल ओवरव्यू की फोन की, अब बात कर लेते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर OS, जो कि ओप्पो का खुद का सॉफ्टवेयर है, जिसका वर्जन है 6.1, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड पाई 9 के ऊपर। अब गाइस इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके कैमरा सैंपल्स दिखा, मैं इस फोन को जल्दी से कंपेयर करूंगा ओप्पो रेनो 10x जूम वाले से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन हमें देखने को मिलता है ओप्पो और मतलब
रेनो 10X जूम में और इसमें काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। बट पर्सनली मैं ये कहूंगा कि मुझे कहीं ना कहीं ओप्पो रेनो 10X जूम का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है डेफिनेटली ओप्पो रेनो 10X जूम का मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स का अंतर कितना है, साइज का डिफरेंस देख सकते हैं और यहाँ पे जो बटन के लेआउट है उसका भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चेंज है दोस्तों, यहाँ पे हमें ओप्पो रेनो 10X जूम में देखने को मिलता है एक शार्क फिन वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा, जबकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक नॉर्मल सेल्फी पॉप आउट कैमरा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इस फोन के कैमरा सैंपल्स। तो यार दिल थाम के बैठी है, सबको बुला के बैठी है जो भी है, चालू करते हैं, बस सैंपल्स दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस ये रहे आप लोगों के सामने कुछ कैमरा सैंपल्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कैमरा सैंपल्स आपको कैसे लगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो फोटो है ये है एक नॉर्मल फोटो जो कि 1X बोल सकते हैं आप। तो ये नॉर्मल फोटो मैंने ली है, मतलब रोड पे ली थी, तो ये है नॉर्मल फोटो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक 2X जूम वाली फोटो, तो ये देख सकते हैं ये है 2X जूम वाली फोटो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक 5X जूम वाली फोटो, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो ये एक 5X जूम वाली फोटो है, तो यहाँ पे हमें ये तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप इससे ज्यादा भी जूम कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा जूम करने पे हमें कुछ ज्यादा अच्छी फोटोज देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो यहाँ पे बैक साइड की पोर्ट्रेट्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी की मतलब अपने चाबी की जो फोटो ली थी पोर्ट्रेट मोड वाली, वो देख सकते हैं काफी अच्छी निकल के आई है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे फ्रंट कैमरा की फोटोज की, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो फोटो है ये है एक नॉर्मल फोटो, ये वाली जो फोटो है ये है एक पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो। तो आप खुद जज कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी ये क्वालिटी है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इसकी स्लो मोशन की क्वालिटी। तो जी हाँ, ये वाली जो वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं ये मैंने ली है स्लो मोशन में इस फोन से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्लो मोशन यहाँ पे काम करता है। सो गाइस इनिशियली अगर मैं बात करूँ इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली मुझे इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। और यहाँ पे जो पॉपअप सेल्फी वाला फीचर यहाँ पे हमें सामने देखने को मिलता है, सेल्फी पॉपअप सेल्फी कैमरा के बाजू में जो फीचर मतलब जो लाइट देखने को मिलती है, वो तो डेफिनेटली कॉपी की गई है MIK K20 से। तो यार जो भी है अच्छा देखने को मिलता है, तो यार डेफिनेटली गाइस फोन तो काफी अच्छा है। अब देखना ये रहेगा कि ओप्पो इस फोन को कितनी प्राइसिंग पे लॉन्च करता है। मेरे हिसाब से तो ये फोन लॉन्च होगा वही लगभग 25,000 से 27,000 के आसपास की इसकी प्राइस हो सकती है। जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा मैं प्राइस को अपडेट कर दूंगा, आप प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। सो गाइज एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स जो कि है पिंटू मोबाइल। सो गाइज ये थी एक एक्सक्लूसिव वीडियो मेरी तरफ से, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि ये वीडियो सब जगह पहुंच सके। फैला दो वीडियो को, मैं मिलूंगा आपसे कैसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।